इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बेटा बेटा, पापा के यहां से थोड़ा सा दही चीनी खा लो, पूरा दिन शुभ ही शुभ होगा। खुश रहो। नहीं बेटा, हमारे यहां लड़कियां पांव नहीं छूती। तुम हमारा गौरव, मान हो हमारा। ले बेटा। बस बस बस, सारी दही चीनी मुझे ही खिलाओगे क्या? इस घोचू को भी तो खिलाओ, इसका भी तो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। भगवान करे तुम्हें नौकरी मिल जाए और ये एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आ जाए। अगर इसे स्कॉलरशिप नहीं मिली ना, तो हमें इसकी स्टडी के लिए लोन लेना पड़ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, उसकी कॉलेज की फीस मैं अपनी सैलरी से भर दूंगी। अरे पर सैलरी तो तब मिलेगी जब तुम्हें पहले नौकरी मिलेगी, और नौकरी तब मिलेगी जब टाइम से तुम इंटरव्यू देने जाओगी, है ना? आई एम सो सॉरी, अब मैं तो बहुत लेट हो रही हूँ। चलो मम्मी, बाय बाय। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऐश्वर्या, तुम्हारे मार्क्स तो काफी इंप्रेसिव है, बट अभी हमें एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की जरूरत है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, सर, मैं जानती हूँ कि मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है। अगर मुझे एक मौका मिला तो जो बाकी सारे एम्प्लॉय कर रहे हैं, मैं वो सब सीख सकती हूँ। देखिए ऐश्वर्या, हमें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी। फ्यूचर में अगर हमारे पास फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट आई, हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। राइट नाउ हम ये जॉब आपको नहीं दे सकते। सॉरी। आज तो विकास सर आने वाले। एक काम करते हैं, सारे इंटरव्यूज ना बाकी के जो भी बच्चे हैं हम पोस्टपोन कर देते हैं, और वैसे भी हमें प्रोजेक्ट्स भी तो कंप्लीट करना है ना। हेलो, हाय शान। दीदी, मेरे एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। हाँ तो तू रो क्यों रहा है? एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ क्या? एग्जाम तो क्लियर हो गया, बट मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। दीदी, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है और इसकी फीस बहुत ज्यादा है। पापा को इतना लोन नहीं मिलेगा। तुझे मैंने सुबह क्या कहा था? तेरे कॉलेज की फीस मैं ही भरूंगी, तू टेंशन मत ले। दीदी, इसका मतलब आपको जॉब मिल गई? हाँ हाँ हाँ, जॉब मिल गई। सच? वाओ दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी मम्मी पापा को जाके बताता हूँ। हाँ, आप भी जल्दी घर आ जाओ, मैं आपके लिए केक लेके आता हूँ। मुझे एक और चांस दे दीजिए। आप मुझे टेम्प्रेरी रख लो, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे परमानेंट रख लेना, पर प्लीज मुझे एक चांस दे दो। ऐश्वर्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अभी हमें एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की जरूरत है, जो तुम नहीं हो। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अभी मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो रहा है? सर, सॉरी फॉर दिस सर, एक्चुअली ये कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आई थी और हमने जॉब देने से मना किया, अब ये जा ही नहीं रही है। आप एक वैलिड रीजन दीजिए ना मुझे जॉब ना देने का। जब से मैं यहाँ आई हूँ सब यही कह रहे हैं कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, पर हर कोई कभी ना कभी फ्रेशर ही होता है ना। एक्सपीरियंस तो तब मिलता है जब उसे मौका मिलता है काम करने का। सर, मैंने आपके बारे में बहुत स्टडी की है। आपने अपना करियर 1500 रुपए की सैलरी जीरोक्स मशीन की दुकान से शुरू किया, उसके बाद आप जूतों के सेल्समैन बने, वहाँ आपको जूते डिजाइन करने का मौका मिला, फिर आप वहाँ इतने सक्सेसफुल हुए कि आज हर इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टूडियो डिजाइन, मार्केटिंग, हर कंपनी को आप मैनेज कर रहे हैं। सर, अगर आपको एज अ फ्रेशर हर फील्ड में मौका मिल सकता है, तो क्या मुझे यहाँ एक मौका नहीं मिल सकता? दिया मौका। कल से, I want to see you in this office at 10 a.m. sharp. Thank you, sir. I'm really thankful to you.
मुझे क्या हो रहा है ये? मम्मी, आपका लाडला मुझे फेक साहब से डरा रहा है। डरा नहीं रहा दीदी, आपकी नर्वसनेस दूर कर रहा हूँ। तुझे किसने बताया मैं नर्वस हूँ? आज आपके ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए आप एक घंटे से नर्वस होके बाल बना रहे हो। अरे बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग बड़े नसीब वाले हैं जिन्हें तुम्हारे जैसी मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय मिल रही है। आई नो पापा, बट उन्हें तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए था, वो तो मुझे जॉब देना भी नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया उन्हें ये चांस देने के लिए। अरे तेरा काम देखकर उन्हें पता चल जाएगा कि उनका डिसीजन कितना सही है। अब टेंशन मत ले, स्माइल कर और ऑफिस जा। ओके मामा, चलो बाय। बाय बाय दीदी। बाय पापा। बाय शान। बाय। मैं वैसे भी बहुत लेट। बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैम, एक मौका दे दीजिए। तुमने तो पहले ही मौके में देर कर दी। टाइम क्या हुआ मैडम? वो आज बस मिस हो गई। नेक्स्ट टाइम घर से जल्दी निकलूंगी। दिस इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यहाँ पे ना नेक्स्ट टाइम बोलने के लिए देयर इज नो नेक्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऐश्वर्या, तुम मेरे कैबिन में आओ अभी। तुमने कुछ अजीब नोटिस किया? क्या? हमारे सर जो साल में एक बार इस ब्रांच के ऑफिस में आते थे, और उन्होंने खुद से कभी किसी जूनियर एम्प्लॉय को यहाँ पे हायर नहीं किया, लेकिन ऐश्वर्या के आने के बाद कल और आज दोनों दिन उनके दर्शन हुए। कहीं हमारे सर का दिल तो नहीं आ गया ऐश्वर्या पे? सो ऐश्वर्या, पहले दिन ऑफिस में देरी से पहुंचने की कोई खास वजह? सॉरी सर, कल से लेट नहीं आऊंगी। क्यों कह रही हो? ये वैसा ऑफिस नहीं है कॉर्पोरेट्स जैसा, जहाँ पहले बॉस चिल्लाता है, चीखता है, फिर एम्प्लॉयज गिड़गिड़ाते हैं, सॉरी सॉरी बोलते हैं। वी आर लाइक वन बिग फैमिली, हम सब मिलके एक साथ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढते हैं। बताओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर, वो मेरी बस मिस हो गई थी और दूसरे बस आने में टाइम निकल गया, इसीलिए लेट हो गई। ओ, तो तुम बस में आती हो? बहुत भीड़ होगी ना बस में, पर ऊपर से इतनी गर्मी, तभी तुम्हारे इस सुंदर चेहरे पे इतना पसीना आ रहा। लेट मी हेल्प। अरे, मैं तो और पसीना आ रहा है, मैं इतना हॉट हूं क्या? अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें एक कार ले देता हूँ, ताकि कल से तुम ऑफिस टाइम पे आओ। नहीं सर, मैं कल से टाइम पर आऊंगी। बट प्लीज, मैं ना अपने एम्प्लॉयज की हर तरह से मदद करना चाहता हूँ। बताओ ना, कौन सी कार पसंद है तुम्हें? Excuse me, sir. कभी अपनी बीवी से भी पूछ लिया करो कि उसे कौन सी कार पसंद है। अपने फीमेल एम्प्लॉय के साथ साथ अपनी बीवी का भी ध्यान रख लिया करो। मधु, क्या तुम मुझे यहाँ लेक्चर देने आई हो? नहीं, मैं तो ये देखने आई थी कि मेरा पति अभी भी सुधरा है या अभी भी बेशर्मों की तरह ऑफिस में आवारागर्दी कर रहा है। विकास सोडी ने दिन रात मेहनत करके झुग्गी से निकलकर इतना बड़ा एम्पायर इसलिए खड़ा नहीं किया ताकि अपना सारा वक्त और बैंक बैलेंस सिर्फ एक औरत पर लुटा दे, समझी? तुम भी एक बात समझ लेना, कुछ ही महीनों में यूनियन इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें तुम इस साल चुनाव लड़ रहे हो, और
तुम्हारी ये उल्टी सीधी हरकतों की वजह से किसी ने एचआर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दी ना, तो तुम, तुम्हारी ये कंपनी, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझ लेना तुम। बैठो बैठो बैठो। क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं। घबराओ मत, मैं तुमसे कोई प्रेजेंटेशन लेने नहीं आया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ आज खाना खाया जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ। जी सर, प्लीज। वाओ, इतनी टेस्टी खुशबू, ये किसका टिफिन? ऐश्वर्या। वाओ, ये जरूर तुम्हारी मम्मी ने बनाया होगा। नहीं सर, ये मैंने बनाया। क्या इतना टेस्टी खाना बनाने वाले के तो हाथ चूमने चाहिए। वेरी टेस्टी। एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो। हाँ श्रेया, विकास सर सबके साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं? नहीं, इनफैक्ट जितना इंटरेस्ट तुम में ले रहे हैं उतना इंटरेस्ट उन्होंने पूरे कंपनी में नहीं लिया। तुम्हारा प्रमोशन तो पक्का है। मुझे ऐसी प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं यहाँ अपने मेरिट के दम पर रहना चाहती हूँ। रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। और वैसे भी हर ऑफिस में ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती है, तुम बस इग्नोर करना सीख जाओ। देखो ऐश्वर्या, तुम डरो मत। अगर सर यूं ही अपनी लिमिट क्रॉस करते रहे तो एचआर में तुम उनकी कंप्लेंट कर सकती हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐश्वर्या। यस सर। तुम्हारा घर गुरुकुल रोड पे है ना? यस सर। अरे मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे एक रिश्तेदार के घर। आओ मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे बहुत काम है। अरे बचे कुछे काम कल कर लेना, वैसे भी कल तुम्हारा पहला प्रेजेंटेशन है, उसकी डिस्कशन हम कार में कर लेंगे। चलो, आई एम रेडी फॉर यू, कम फास्ट। आइए, बारिश का मौसम, रोमांटिक वेदर, वेलकम फॉर लॉन्ग ड्राइव। ऐश्वर्या। सर, प्रकाश भी हमारे कल क्लाइंट मीटिंग में हमारी टीम में ही है और इसका घर भी हमारे घर के पास में ही है, तो मैंने सोचा आप हम दोनों को ड्रॉप कर देते। गुड आइडिया। आओ। ट्रांसफर लेटर है मेरा। व्हाट? दूसरे ब्रांच का, वो भी विद इमीडिएट इफेक्ट। बट तुम इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ऐसे कैसे ट्रांसफर कर सकते? जरूर ये तुम्हारी कल की हरकत की वजह से हुआ होगा। जब विकास सर ने सिर्फ तुम्हें बुलाया था तो तुम क्यों इसे साथ में लेके गई? अच्छा, हम ये सब बाद में सोचते हैं, फिलहाल हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अगर लिफ्ट लेने की वजह से ट्रांसफर कर दिया
तो लेट जाने की वजह से क्या होगा सोचो। चलो जेब में पैसा होना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन दिमाग में पैसा होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे समाज में विकास सोदी जैसे ताकतवर लोग अपने पावर और पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। पैसे होना या ताकतवर होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को खरीद सकते हैं, उनके प्रति अश्लील सोच रख सकते हैं। आगे चलकर ऐश्वर्या की जिंदगी में उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं था। क्या विकास के इन अश्लील इरादों से वो बच पाएगी या क्या उसकी हिम्मत टूट जाएगी? ब्यूटी विद ब्रेन्स, आपने सुना तो होगा, पर देखना है तो इन्हें देखिए। यंग टैलेंट ऑफ आवर कंपनी, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, एंड शी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। आज का आपका प्रपोजल यही प्रेजेंट करेंगे। गुड लक ऐश्वर्या। थैंक यू सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सोडी एक्सपोर्ट कंपनी की एनुअल इनकम ग्रोथ कितनी है। सो मुझे ये बताते हुए बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हमारी इनकम डबल हो गई है। तो आप लोगों को मिस्टर विकास इज नॉट वर्किंग इन एक लाइन तक बिल्डिंग नहीं आती है, इज दिस अ कंपनी फ्यूचर? सॉरी सॉरी मिस्टर मेहता, रिलैक्स। ऐश्वर्या तुम बैठ जाओ, आई टेक ओवर फ्रॉम हियर। So the point is that Sodi Exports is growing so fast every year. You're very, very secure if you just finance it. You just have to put your money. We're making it grow. You don't have to worry about anything. Hello? Bina knock ki andar kaise aa gayi? Koi dekhega to kya sochega? Drama mat kijiye. आपको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आपको क्या लगता है आपने ये कंपनी खरीद ली तो उसके एम्प्लॉय भी आपके जेब में आ जाएंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? कैसे हाथ लगाया मैंने? कैसे हाथ लगाया? ऐसे लगाया या ऐसे लगाया या ऐसा छुआ? सीधी खड़ी रहे, चटपटाती बिल्लियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुझे क्या लगा तुझे ये जॉब तेरा टैलेंट देख के मिला है? डाई! इस सीसीटीवी में रोज तुझे देखता हूं, तेरे सपने देखने लगा सपने, इसीलिए मैंने तुझे कल बुलाया था, लेकिन तू लेके अपने उस दोस्त को ले आए। कल मैं तुझे अकेले में छू नहीं सका ना, इसीलिए आज मैंने तुझे सबके सामने छू लिया। इतनी हिम्मत है विकास सोडी में? इसे हिम्मत नहीं, हरासमेंट कहते हैं। और इस बदतमीजी की कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बदतमीजी? ये ले बदतमीजी, ले ले। ऐसे लगा है या ऐसे लगा है? ऐसा छोड़ा? मिस्टर विकास इज नॉट वर्किंग इन एक लाइन तक बिल्डिंग नहीं आती है, इज दिस अ कंपनी फ्यूचर? अगर सर यूं ही अपनी लिमिट क्रॉस करते रहे तो एचआर में तुम उनकी कंप्लेंट कर सकती।
दीदी दीदी आपको एक न्यूज दूं, आप बिलीव नहीं करोगे। बताना कौन सी न्यूज। अरे वो आपके बॉस है ना विकास सोडी, उन्हें मार्केटिंग एंड फाइनेंस यूनियन की मेंबरशिप मिल गई है। एमडी है वो यूनियन ट्रेड के। अब वो सिर्फ आपके कंपनी के नहीं पूरे यूनियन के बॉस है। क्या हुआ आप खुश नहीं हो? मुझे लगा ये बात सुन के आपके ऑफिस में पार्टी वार्टी होगी। कुछ हुआ है क्या? मैं अब और नहीं सह सकती। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आज ऑफिस में मीटिंग थी और मीटिंग अच्छी नहीं गई और मुझे हेडेक भी बहुत हो रहा है बस। और कोई बात नहीं। बस इतनी सी बात? मैं हूं ना, मैं आपको हेड मसाज दूंगा, आपका दर्द यूं भाग जाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर विकास सोडी को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अच्छा हुआ ऐश्वर्या आप आ गई, मैं आपको बुलाने ही वाली थी। आपके खिलाफ कंप्लेन आई है। What? मेरे खिलाफ कंप्लेन? किसने की? जी हमारे सीईओ विकास सोडी ने। उन्होंने कहा कि आपने क्लाइंट के सामने बहुत खराब प्रेजेंटेशन की और जब उन्होंने इस बात के लिए आपको डांटा तो आपने अपनी जॉब बचाने के लिए उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी। नहीं मैम, ये सब झूठ है। उल्टा उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के दौरान मोलेस्ट किया और फिर कैबिन में भी। वो बड़े ही घटिया आदमी है, ना उनकी नीयत साफ है ना उनकी नजर साफ है। अपने वर्ड्स पे ध्यान रखिए, वो इस कंपनी के ओनर है और उनके खिलाफ ऐसे सीरियस एलिगेशंस बिना प्रूफ के, इट्स टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। मैम मैं सच कह रही हूँ। देखिए आपने खराब प्रेजेंटेशन दी है ये आपके सभी कलीग्स ने देखा है, पर विकास सोडी जी ने आपके साथ बदतमीजी की है, क्या इस बात का आपके पास कोई भी सबूत है? Yes, ma'am. मेरे पास प्रूफ है। नहीं मैम, विकास सर ने ऐश्वर्या या किसी भी कलीग के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। I'm sorry, ऐश्वर्या। आई नो जो हो रहा है गलत हो रहा है। एक बार तुम्हारी हेल्प करके मेरा जॉब ट्रांसफर हो गया, अब अगर दोबारा तुम्हारी हेल्प करी तो मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। आई नो प्रकाश, लेकिन श्रेया भी एचआर मैनेजर के सामने अपनी बात से पलट गई। मैं किसके पास जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रेया की जगह अगर और कोई भी होता तो भी वो विकास सोडी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देता, और तुम्हें तो पता ही है कि अब वो ट्रेड यूनियन में मेंबर और एमडी है। वो सिर्फ कंपनी का बॉस होता तो उससे बचकर भागा जा सकता था, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में विकास सोडी से बचकर कोई नहीं भाग सकता। I'm sorry, but मैं और श्रेया ही नहीं बल्कि कोई भी विकास सोडी के खिलाफ स्टेटमेंट देकर अपनी जॉब का रिस्क नहीं लेगा। वहां बाहर सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और तुम हो यहां बैठी जिसके बिना मुझे चैन नहीं आता। वो यहां अकेले बैठ के काम कर रही है। व्हाई? क्यों? तुम कहो, एक बार कहो तो ये सारी कंपनी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि जो चीज प्यार से मिल जाए जोर जबरदस्ती करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन लगता है कि आज थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। छोड़ो मुझे, मैं चिल्ला रही हूँ। कैसे एचआर में तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आया या भी नहीं आएगा? आज कब तक भागेगी?
मैम अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज मुझे अपने पति से बचा लीजिए। वो आदमी नहीं, वो जानवर है। मैं आपको बताती हूँ उसने मेरे साथ क्या क्या किया। क्या किया? ऑफिस में तुम्हारे साथ फ्लर्ट, क्या जबरदस्ती करने की कोशिश की? राइट है ना? हाँ, आपको ये सब पता है? तुम मेरे पति को 2-3 महीनों से जानती हो और मैं 17 साल से। ना तुम पहली हो और ना आखिरी जब मेरे पति का किसी पर दिल आया है। मेरे पति के लिए औरत सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है। आप उनकी पत्नी होकर मुझे ऐसा कैसे कह सकती है? तुमने मुझसे मदद मांगी थी ना, तो बस मैं कर रही हूँ। वैसे भी वो जो बोलता है उसे दे दो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं बिना पाए। टेक केयर। माँ, वो मेरे बॉस ने मुझे यहाँ टच किया, मुझे यहाँ छू। ऐसे लगा है? क्या ऐसे लगा है? ऐसा छुआ? किसी ने मेरी मदद नहीं की पापा। तुम्हें हमें ये सब बताना चाहिए था ना? हमें ना, चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। कोई फायदा नहीं है रजनी, ये विकास सोडी बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। हर जगह पर उसके पैसे और पावर का रसूख है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? उस कमीने ने दीदी के साथ ऐसा किया और हम चुप बैठे? और हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम कोर्ट गए तो वहां पर गवाहों की जरूरत पड़ेगी और इसका कोई भी कलीग अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा। उल्टा इस केस से इसकी जो बदनामी होगी ना, इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो तो भगवान का शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई। बेटा बेटा देख, मैं तेरा बाप। बेटा एक बाप होने के नाते तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी है। बेटा ये शहर विकास सोड़ी और उसके लोगों का है। हम सब की भलाई इसी में है कि तुम थोड़े समय के लिए शहर से दूर चली जाओ। लेकिन पापा, मैं आप लोगों को और ईशान को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बेटा कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद ये विकास सोड़ी सब भूल जाएगा। और देखो, तुमने कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था ना, मुंबई की एक कंपनी से ऑफर लेटर आया है। सैलरी जरूर यहां से आधी है, लेकिन तुम वहां सुरक्षित रहोगी और इसी में ही हम सब की भलाई है। अक्सर नौकरी पर एम्प्लॉयज का यौन शोषण किया जाता है, ज्यादातर महिलाओं का। कभी तनख्वाह बढ़ाने के बहाने, कभी प्रमोशन के बहाने, तो कभी नौकरी से बाहर निकाल देने के बहाने से औरतों पर यह जुल्म किया जाता है। यह हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे देखकर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। रजनी और ईशान विकास के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना चाहते थे, लेकिन एक प्रैक्टिकल इंसान होने की वजह से शाम को यह लगा कि विकास जैसे ताकतवर इंसान के खिलाफ आवाज उठाने से बेहतर यह होगा कि वो अपना सर झुकाकर अपनी बेटी को किसी दूसरे शहर में भेज दे। वैसे शाम की ये सोच गलत नहीं थी, लेकिन विकास जैसे अपराधी लोग तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक उनकी लालसा पूरी नहीं हो जाती। अपने नापाक इरादों को पूरे करने के लिए विकास और कितनी हदें पार कर सकता है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। हेलो। हेलो दीदी, आप कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ, तो कैसा है
और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो तो बढ़िया चल रही है दीदी, बस आपकी कमी है घर में। अच्छा, जब मैं वहाँ थी तब तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे। अब आप यहाँ नहीं हो ना, इसलिए तो आपको मिस कर रहा हूँ। आ जाओ ना, मैं आपको अपना कबर्ड भी दे दूंगा आपके मेकअप और कपड़े के लिए। मेरा भी तुम लोगों के बिना यहाँ मन नहीं लग रहा। मम्मी के हाथ के पराठों की बहुत याद आती है। मैं जल्दी ही घर आऊंगी। अब ईशान, मैं तुम्हें रात को फोन करती हूँ। ऐश्वर्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मैम, कहिए। तुम्हारे एक्स बॉस मिस्टर विकास सोढ़ी का हमें ईमेल आया था। उनका कहना है कि तुमने उन्हें बिना कुछ बताए, बिना रेजिग्नेशन दिए ऐसे ही जॉब छोड़ दी, और तुमने अपने कलीग्स और बॉस के साथ भी बदतमीजी की थी। नो मैम, ये सब झूठ है। विकास सर ने उल्टा मुझे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। इसका आपके पास कोई प्रूफ है या HR से कोई लेटर? आपको तो पता ही है मैम कि मेरे एक्स बॉस कंपनी के CEO ही नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन के हेड भी हैं। इसीलिए उनके खिलाफ किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और इसीलिए मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। लुक, आई अंडरस्टैंड, पर कंपनी के भी कुछ रूल्स होते हैं। फिलहाल तुम एज ए ट्रेनर काम कर रही हो। अगर आपको हमारे साथ परमानेंटली काम करते रहना है तो आपको इनमें से कोई एक स्टेटमेंट अगले 10 दिन में देनी होगी। कौन हो तुम लोग? बचाओ, हेल्प, हेल्प, प्लीज हेल्प। हेलो। क्या जमाना आ गया है, ना सड़क पर ना घर में इंसान सुरक्षित ही नहीं है। तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? जान बसती है तुम्हें मेरी, नंबर क्या चीज है। वैसे अभी मेरे दो आदमी तुम्हें हेलो बोल के लौटे हैं। वो दोनों गुंडे तुमने भेजे थे? और क्या, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ रहती हो, कहाँ काम करती हो, किस रास्ते से गुजरती हो? तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फैमिली की जन्म कुंडली मेरे पास है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे मेरा सब कुछ, मेरा सुख चैन, मेरी नींदे, सब दिन भर बस तुम्हारा ख्याल आता है। सोचता रहता हूं कि तुम्हें कैसे छू, कहां मिलोगे तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे आदमियों को धोखा देकर भाग गई? मैंने अपने आदमियों से कहा था कि आज तुम्हें बस ट्रेलर दिखाएं, लेकिन अगर तुम मेरे पास खुद चलकर नहीं आई ना, तो अगली बार मेरे आदमी तुम्हें उठा कर ले आएंगे। अब सोच लो, तुम्हें खुद ब खुद मेरे पास आना या जबरदस्ती से। Thank you.
प्लीज पापा आप रोइए मत। बेटा इस बाप की जवान बेटी उससे दूर चली जाती है ना, वो भला खुश कैसे रह सकता है? देखिए मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन ये समय हिम्मत हारने का नहीं है, हिम्मत दिखाने का है। हमें हमारी ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाना है। हाँ आज उस विकास सोढ़ी के साथ कोर्ट में हमारी पहली मुलाकात है और हम हमारी बेटी को इंसाफ दिला कर रहेंगे। चलो चलो बेटा। सॉरी जब आप यहाँ पर, हम लोग तो कोर्ट आ रहे थे। सर कोर्ट की हेयरिंग पोस्टपोन हो गई है, विकास सोढ़ी के लॉयर ने हेल्थ रीजन की वजह से डेट पोस्टपोन कराई है। कैसे वकील है आप? उस विकास थोड़ी को सजा तो क्या आप कोर्ट तक लेकर नहीं आ पाए? देखिए मैम मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन जिसके साथ आपकी लड़ाई है वो एक शहर के बहुत बड़े आदमी है, उसने लॉयर्स की फौज खड़ी कर दी। आपके पास सबूत के नाम पर एक सुसाइड नोट है और उस नोट को सपोर्ट करने के लिए कोई गवाह नहीं है। इतने बड़े आदमी के खिलाफ मैं केस लड़ रहा हूँ, वो भी कम पैसों में। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मैं ये केस छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्ते। अरे वकील साहब, लेकिन नमस्ते रजनी जी, ऐश्वर्या की शोक सभा अच्छे से हो गई ना? मेरा परिवार बर्बाद करके चैन नहीं मिला तुझे जब तुम यहाँ फोन कर रहे हो? चैन तो तब मिलेगा ना जब आप ये केस लड़ना बंद करेंगी। सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ो रजनी जी, आगे बढ़ो। नहीं बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना उसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। मुझे तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी बेटी की तरह जिद्दी बने रहोगे तो आपको आपकी बेटी के पास भेजना पड़ेगा। एक माँ को उसकी बेटी के पास भेजने की धमकी दे रहे हो? वो तो मैं जाऊंगी लेकिन उसके पहले तुम्हें सजा दिलाऊंगी। पापा मैं वकील के पास जा रहा हूँ, ये दीदी के कुछ पेपर है जो सबमिट करने हैं। ठीक है, संभाल कर जाना। हाँ पापा। इस वक्त कौन आया? अरे अरे तुम लोग कौन हो? ये क्या बदतमीजी है? बेटा उस दिन के लिए मौसी को बुला लो, तो कैसे मैनेज करेगा हम लोग को? मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। आप दोनों बस अपना ध्यान रखो और जल्दी ठीक हो जाओ। आपकी दवाई का टाइम हो गया, मैं पानी लेके आता हूँ। हेलो। बहुत बुरा हुआ, एक हंसता खेलता खुश परिवार यूं एकदम से उजड़ कर रह गया। लेकिन तू बिल्कुल घबराना मत, मैं हूं ना विकास सोढ़ी। तेरी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड किया, तेरी वजह से मेरे माँ बाप का आज ये हाल है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वरना तू कुछ नहीं कर सकता। विकास सोढ़ी हूं मैं, विकास सोढ़ी। और हाँ मैं एक नया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जिस कॉलेज में तू पढ़ता है ना उसे मैं खरीद रहा हूं। कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद। समझा? विकास सोढ़ी हूं मैं, विकास सोढ़ी। हेलो, इतनी रात को क्यों फोन किया है? सर वो ऐश्वर्या मैडम थी ना, हाँ उसका भाई ईशान ऑफिस के अंदर आया है। ईशान हमारे ऑफिस में? एक काम कर, तू कुछ मत कर,
बस उस पे नजर रख, मैं आ रहा हूं। देखना वो वहां से बच के भाग ना पाए। वाह, क्या लगता है तुम्हें कि तेरी बहन ने यहां कोई सबूत छोड़ा होगा जिसे तू ढूंढ लेगा, कोर्ट में पेश करेगा और मुझे फांसी दे देगा? फांसी तो तुझे होगी ही। ओ, सारी दुनिया को पता चलेगा कैसे तूने मेरी बहन को मारा है। यही तो सवाल है, यही मैं जानना चाहता हूं, कैसे कैसे पता लगेगा। चल मैं कन्फेशन देता हूं कि यहां इस ऑफिस में तेरी बहन के साथ जोर जबरदस्ती की हैरेसमेंट किया और जिंदगी भर इसे प्रूव करने की कोशिश कर। गलत, अब पूरी जिंदगी कोर्ट में साबित मैं नहीं तू करेगा। दीदी ने बताया था कैसे तू इसी सीसीटीवी कैमरा से अपने कैबिन में बैठ के उनको घूरता था और ये कैमरा ही तेरी गिरफ्तारी का कारण बन गया है, क्योंकि ये फुटेज इस वक्त कैबिन में पुलिस वाले देख रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर विकास सोडी, हमें सारे सबूत मिल चुके हैं, ले चलो इन्हें। ईशान, अगर सफलता इंसान को अर्श पर पहुंचा सकती है तो उसे फर्श तक भी गिरा सकती है, लेकिन विकास को यही लगा कि अपने रुतबे की वजह से वो किसी को भी डरा धमका सकता है। लेकिन वो गलत था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि एक भाई के प्यार में कितनी ताकत होती है। क्योंकि जब एक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो वो भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। ईशान अपनी बहन को नहीं बचा पाया, लेकिन विकास के खिलाफ आवाज उठाकर उसने अपनी बहन को इंसाफ दिलाया। अपनी जान की परवाह ना करते हुए ईशान कायरता से नहीं बल्कि निडरता से और अकलमंदी से विकास की सच्चाई सबके सामने लेकर आया। लेकिन अफसोस कि आज भी हमारे समाज में विकास सोधी जैसे न जाने कितने ऐसे अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आपकी नजरों में ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई दे तो समय रहते आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ एक सच्ची घटना के साथ। एक बार फिर हम मिलेंगे, तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।